जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हमारे देश में 25 रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है, लेकिन भारतीय रेलवे इसे नए नए रूट पर चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे आने वाले 30 वंदे भारत का रूट आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के देखिए और वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी से ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों जो रूट का नाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आपका रूट का भी नाम इसमें आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर ले सबसे पहले रूट की, जिस पर भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए प्लानिंग कर चुकी है। तो ऐसे रूट में सबसे पहले रूट का नाम आ जाता है सिकंदराबाद से बेंगलोर वाला, और सिकंदराबाद से बेंगलोर के बीच में भी आपको वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी जो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ चलेगी। यहाँ पर दूसरे रूट की बात कर ले तो दूसरा रूट है सिकंदराबाद से पुणे वाला, और सिकंदराबाद से पुणे के बीच में भी आपको चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर तीसरे रूट की बात कर ले तो ये रूट भी सिकंदराबाद से भुवनेश्वर वाला है, और सिकंदराबाद से भुवनेश्वर के लिए भी आपको वंदे भारत ट्रेन जल्द ही देखने को मिलेगी। चौथे रूट की बात कर लें तो ये रूट है ग्वालियर से इंदौर वाला, और ग्वालियर से इंदौर के बीच में भी भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली है। बात कर ले पांचवे रूट की, तो पांचवा रूट है नागपुर से सिकंदराबाद वाला, और इस पर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। और नागपुर से सिकंदराबाद के बीच में भी भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए काफी एक्टिव है। अभी बात कर ले छठे रूट की, तो छठा रूट है नागपुर से भोपाल वाला, नागपुर से भोपाल के बीच में भी आपको सीसी और ईसी वाली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही पटरी पर देखने को मिल सकती है। बात कर ले सातवें रूट की, तो ये रूट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि ये रूट है दिल्ली कोटा रूट, और दिल्ली से कोटा के बीच में भी आपको वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। बात कर ले यहाँ पर आठवें रूट की, तो आठवां रूट है दिल्ली बीकानेर, और दिल्ली से बीकानेर के बीच में भी आपको आने वाले कुछ महीनों के भीतर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बात कर ले नौवें रूट की, तो ये रूट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूट है दिल्ली लखनऊ वाला, और लखनऊ से ऑलरेडी एक वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर के लिए चल रही है, और इसके साथ ही लखनऊ से दिल्ली के बीच में भी आपको जल्द ही वंदे भारत ट्रेन पटरी पर देखने को मिलने वाली है। बात कर ले यहाँ पर दसवें रूट की, तो ये रूट है चित्रकूट प्रयागराज लखनऊ वाला, और इस रूट पर भी आपको वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी जल्द ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर ले ग्यारहवें रूट की, तो ग्यारहवां रूट है अहमदाबाद से ओखा वाला, और अहमदाबाद से लेके ओखा तक आपको जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बात कर ले बारहवें रूट की, तो बारहवां रूट भी अहमदाबाद से शुरू होगा और भोपाल में जाकर खत्म होगा, मतलब अहमदाबाद से भोपाल वाली वंदे भारत ट्रेन भी आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। बात कर ले यहाँ पर तेरहवें रूट की, तो ये रूट भी अहमदाबाद से ही शुरू होगा और जयपुर में खत्म होगा, यानी कि अहमदाबाद जयपुर वंदे भारत ट्रेन का ये रूट है, और अहमदाबाद से जयपुर के बीच में भी आपको वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी आने वाले कुछ महीनों के भीतर देखने को मिल सकती है। बात कर ले दोस्तों यहाँ पर चौदहवें रूट की, तो ये रूट है गोरखपुर से प्रयागराज वाला, और गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में भी आपको वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी पटरी पर देखने को मिलने वाली है, और इसको लेकर कई मीटिंग्स भी अभी फिलहाल चालू हैं। बात कर ले पंद्रहवें रूट की, तो पंद्रहवा रूट है हावड़ा जमशेदपुर रांची वाला, और हावड़ा जमशेदपुर और रांची रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। बात कर ले सोलहवें रूट की, तो दोस्तों सोलहवें नंबर पर है हावड़ा पटना वंदे भारत ट्रेन, और हावड़ा से पटना के बीच में भी आपको वंदे भारत ट्रेन अगस्त महीने में ही देखने को मिल सकती है, और इसका जो रेक है वो भी अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में पटना जंक्शन पर पहुंच सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स हैं। यानी कि हावड़ा पटना जो रूट है वो बहुत जल्दी वंदे भारत ट्रेन से जुड़ने वाला है। बात कर ले सत्रहवें रूट की, तो ये रूट है हावड़ा से बोकारो स्टील सिटी वाला, और हावड़ा से चलकर बोकारो स्टील सिटी को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। बात कर ले दोस्तों यहाँ पर अठारहवें रूट की, तो अठारहवां रूट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि इसकी शुरुआत हावड़ा से होती है और ये अपना सफर वाराणसी में आकर एंड करेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हावड़ा वाराणसी वंदे भारत ट्रेन की, और इसको लेकर कल ही मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। और हावड़ा से वाराणसी के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के बारे में ज्यादा डिटेल आपको जानना है तो आप मेरे रिसेंट वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बात कर ले यहाँ पर 19वें रूट की, तो दोस्तों ये रूट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है और इसकी शुरुआत पटना से होगी और ये अपना सफर देवघर में एंड करेगी। यानी कि यहाँ पर पटना देवघर वंदे भारत ट्रेन भी आपको जल्दी ही पटरी पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बात कर ले 20वें रूट की, तो ये रूट है बेंगलोर कोयम्बटूर वाला, और बेंगलोर से चलकर कोयम्बटूर को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी भारतीय रेलवे जल्द ही शुरू करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बात कर ले 21वें नंबर की, तो 21वें नंबर पर है बेंगलोर तिरुपति वंदे भारत ट्रेन, और बेंगलोर से चलकर तिरुपति को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी भारतीय रेलवे जल्द ही चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है। यहाँ पर बात कर ले 22वें रूट की, तो 22वां रूट है भोपाल खजुराहो वाला, और भोपाल से खजुराहो के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन आपको आने वाले कुछ महीनों के भीतर पटरी पर देखने को मिलने वाली है। और इस ट्रेन की शुरुआत होने से खजुराहो जाने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाला है, क्योंकि खजुराहो से अभी उतनी
अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है और भोपाल से चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए खजुराहो तक एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों बात कर ले 23वें रूट की, तो 23वां रूट है एर्नाकुलम से मैंगलोर वाला, और एर्नाकुलम से चलकर मैंगलोर को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बात कर ले 24वें रूट की, तो 24वें नंबर पर है एर्नाकुलम से बैंगलोर को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन, इसकी शुरुआत भी आगे आने वाले कुछ महीनों के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। बात कर ले 25वें रूट की, तो ये रूट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रूट है मैंगलोर से मैसूरू वाला, और मैंगलोर से चलकर मैसूरू को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे जल्द ही चला सकती है। बात कर ले यहाँ पर 26वें रूट की, तो ये रूट है मैंगलोर से मारगांव वाला, और मैंगलोर से चलकर मारगांव को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है, और इस ट्रेन को चलाने के लिए भारतीय रेलवे अभी प्लानिंग कर रही है। बात कर ले यहाँ पर 27वें रूट की, तो ये रूट है रायपुर से भुवनेश्वर वाला, और रायपुर से चलकर भुवनेश्वर को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन आपको आगे आने वाले कुछ महीनों के भीतर पटरी पर देखने को मिल सकती है। बात कर ले 28वें रूट की, तो ये रूट है रांची से देवघर वाला, और रांची से चलकर देवघर को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी आपको काफी जल्दी ही पटरी पर देखने को मिलेगी, और इस ट्रेन की शुरुआत होने से देवघर की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बात कर ले 29वें रूट की, तो ये रूट है राउरकेला से भुवनेश्वर और पुरी वाला, राउरकेला से भुवनेश्वर और पुरी को चलने वाली वंदे भारत ट्रेन आपको आगे आने वाले कुछ महीनों के भीतर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सबसे अंतिम यानी कि लास्ट रूट की बात कर ले, तो 30वें नंबर पर है चेन्नई एगमोर से चलकर तिरुनेलवेली जंक्शन को जाने वाली वंदे भारत ट्रेन, और इस रूट पर भी आपको काफी जल्दी यानी कि अगस्त महीने में ही वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थे टोटल 30 रूट जिस पर भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए मुहर लगा चुकी है, और ये सभी रूट 100% कंफर्म हो चुके हैं वंदे भारत ट्रेन चलने के लिए। हालांकि वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन स्लो होने की वजह से आपको इन सभी रूटों पर लॉन्चिंग आने वाले कुछ महीनों के भीतर देखने को मिलने वाला है, लेकिन इन सभी रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है ये 100% श्योर है। और ये टोटल लिस्ट में और भी कुछ रूट्स के नाम है जिसको मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर उन सभी रूट का नाम इस वीडियो में मैं इंक्लूड करता हूं, तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।